हे फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरजेक्शन के ऊपर है। जी हाँ, इंटरजेक्शन के बारे में काफ़ी बार सुना है आप लोगों ने। सो आज की वीडियो में हम इंटरजेक्शंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है कि इंटरजेक्शंस होते क्या हैं। गाइस, इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में आपके इमोशंस को दिखाना। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, आई टू आई बात करते हैं, तो हम लोग ईजी वे में अपने इमोशंस एक दूसरे को बता पाते हैं। लेकिन जब बात होती है सेंटेंसेस की, तो हम अपने इमोशंस कैसे बताते हैं? तो वही वर्ड्स जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए किसी भी सेंटेंस में, वही होते हैं इंटरजेक्शंस। हिंदी में इनको विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। दूसरी बात फ्रेंड जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं, तो उस वर्ड को लिखने के बाद बिना किसी स्पेस के आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। ठीक है, बहुत सी बार हम ये देखते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी में वर्ड लिख देते हैं इंटरजेक्शन वाला, फिर हम स्पेस दे देते हैं और फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क और उस वर्ड के बीच में कोई भी डिफरेंस, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इंटरजेक्शंस बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी लिस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो पॉपुलर होते हैं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हुर्रे, है ना, या फिर आपने सुना होगा ये पी। तो फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? ये आपका एक्साइटमेंट दिखाते हैं, आपकी खुशी दिखाते हैं, जॉय दिखाते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी कि वाह मजा आ गया, हम लोग मैच जीत गए। हुर्रे वी वॉन द रेस, यानी कि हम रेस जीत गए हैं। तो जो हुर्रे होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी, आपका जॉय दिखाता है। ये पी क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी जो होता है वो आपका एक्साइटमेंट दिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ये पी आई गॉट माय न्यू फोन, ये पी यू गॉट योर न्यू फोन, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हो कि अरे वाह मजा आ गया, आपको नया फोन मिल गया है। इसके बाद फ्रेंड्स होता है ऑ, जो कि बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, जो कि गर्ल्स काफी ज्यादा यूज करती हैं। काफी पोस्ट पे आप देखते हो कि कोई अच्छा कमेंट होता है तो गर्ल्स बिल्कुल ऑ करके इसको करती हैं। तो फ्रेंड्स, ऑ जो होता है वो क्यूटनेस दिखाता है, किसी चीज पे अपन को ज्यादा प्यार, ज्यादा लाड़ आ रहा होता है, तो अपन ऑ वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ऑ व्हाट एन अडॉरेबल डॉग, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ऑ शी इज सो प्रिटी, तो जो ऑ जो होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा क्या डिनोट करता है? जब आप किसी को ज़्यादा अपना, मतलब आपको कोई क्यूट लग रहा है, आप ज़्यादा उस पर लाड़ आपको आ रहा है, प्यार ज़्यादा आ रहा है, तो आप ऑ वर्ड यूज़ करते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी और सारे वर्ड्स भी होते हैं, लाइक वाव, ये, बिंगो, है ना, और एक वर्ड आप बहुत बार यूज भी करते हो, शिट, ओ शिट, है ना। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड कब यूज करते हैं? जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ उल्टा हो जाता है, या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और पता चलता है कि कुछ हमसे गड़बड़ी हो गई है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? ओ शिट, मैं तो भूल गई, है ना। तो ये वर्ड उसके लिए होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है अलास, ALAS, यस अलास फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है दुख, सोरो, कोई दुख भरी भावना अगर आप बता रहे हो, कोई फीलिंग आपकी ऐसी आ रही दुख वाली, तो आप वहाँ पे अलास यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अलास वी लॉस्ट द मैच, अलास आई फॉरगेट टू कॉल यू, तो ये अलास वर्ड जो होता है वो हमेशा दुख या आपका सोरो दिखाता है। तो जब भी सेंटेंस के आगे अलास लग रहा, तो समझ जाना कि वहाँ पे फीलिंग दुख वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक वर्ड आपने और सुना होगा, यक यक यक। तो यक कब लगता है? जब कुछ चीज़ हमें टेस्ट में खराब लगती है, स्वाद में खराब लगती है, तो हम उसके लिए बोलते हैं यक। जैसे आपके घर में कुछ चीज़ ऐसी बनी हुई जो डिश आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप उसके लिए यक बोल सकते हो। जैसे आपने कुछ ट्राई किया, उसमें शक्कर की जगह नमक हो गई, या कुछ भी इस तरह का फैल गया, तो आप उसको खाते बोलोगे यक, ये कितना गंदा है। तो यक फ्रेंड्स तब लगता है जब कुछ चीज़ डिस्टेस्ट होती है, मतलब जिसमें स्वाद नहीं हो, खराब स्वाद हो, तो वहाँ पे हम फ्रेंड्स यूज करते हैं किस चीज़ का? यक का। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, एक वर्ड और होता है ईयू, ये भी काफ़ी बार लड़कियों के द्वारा यूज किया जाता है, ईयू वर्ड्स। तो ईयू वर्ड जो होता है फ्रेंड्स, जिसको अपन अगर जल्दी जल्दी बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते, ईयू। तो जो ये वर्ड होता है फ्रेंड्स, वो कब लगता है? जब अपन को कुछ चीज़ गंदी लगती है, जैसे कि आपका कमरा पूरा फैला हुआ पड़ा है, एकदम से आपकी मम्मी आती बोलती है, मम्मी देखते हैं कमरा, बोलती हैं अरे इतना गंदा कमरा है, तो उस अरे के लिए अपन क्या बोल देंगे? यू, दिस रूम इज सो डर्टी। तो बस वही जो यू वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो अंदर से जो एक घृणा वाली, एक जो
फीलिंग आती है ना गंदा वाली, वो उसके लिए रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको जो मोस्ट पॉपुलर हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं उनके बारे में बताया है। हाँ एक बात तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो हम अपन करते हैं HMMMM वो भी एक तरह का फ्रेंड्स इंटरजेक्शन ही होता है, जिसको आप काफ़ी बार व्हाट्सएप पे फेसबुक पे यूज़ करते हो। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स एक अपना जो है वो चेयर्स आप सुनते हो ना, चेयर्स वो भी क्या होता है फ्रेंड्स एक इंटरजेक्शन होता है। ब्रैवो, बिंगो, बिंगो फ्रेंड्स हम कब यूज़ करते हैं, जब आप कोई आंसर देते हो, आपने किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर दिया तो मैं कहूँगी बिंगो यू आर राइट, बिंगो योर आंसर इज राइट। यानी कि जब हमें किसी चीज़ को सही बताना हो कि नहीं आपने सही किया, आपने सही जवाब दिया, तो हम वहाँ पे बिंगो बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो ब्रैवो वर्ड होता है फ्रेंड्स, ब्रैवो कब लगता है, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, ब्रैवो ब्रैवो वेरी गुड वेल डन। तो ये सारे थे आपके इंटरजेक्शंस। आप चाहते हो कि इनको मैं PDF फॉर्मेट में लिख के आपको दे दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरजेक्शंस का जो यूज होता है वो केवल सेंटेंस में इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि आपके इमोशंस उस सेंटेंस को लेकर कैसे हैं, तो उन शब्दों से हम आपके इमोशंस को पकड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक इंटरजेक्शन का। उम्मीद है आपको पसंद आता होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।